ये वीडियो देखा आपने? ये वीडियो किसी और देश का नहीं, इसी देश के उत्तर प्रदेश का है। जी हाँ, पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, इसके साथ साथ हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार सब जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि अग्निपथ ला दिया गया है। अग्निपथ के जो अग्निवीर है, जो उनको नाम दिया गया है, उसी के चलते वो ऐसा ही काम कर रहे हैं और अग्निवीर अग्नि लगा रहे हैं। लगातार पूरा देश जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को थोड़ी सी भी फुर्सत नहीं है कि देश के लिए थोड़ा सा हित में कुछ बोल दें या फिर उन अग्निवीरों के लिए थोड़ा सा कुछ चिंतन कर लें। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जगह जगह मंच पर भाषण दे रहे हैं, उन्हें क्या है। इसलिए अग्निवीर लगातार अग्निवीर के चलते हुए अपनी आगजनी करते फिर रहे हैं। पूरा पटना, बिहार पूरा जला दिया गया है। ट्रेनें, बसें जला दी गई हैं, बीजेपी के दफ्तर जला दिए गए हैं। लगातार यहाँ पर इस तरीके की तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम ये वीडियो ज़्यादा नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारी मजबूरी है, लेकिन आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से पूरा भारत जल रहा है। जी हाँ, पूरा भारत जल रहा है। पूरे भारत में जगह जगह देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये प्रदर्शन करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा बीजेपी की रैलियों में दिखते थे, जो सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यक लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा भगवाधारी जो रैलियों में आपको दिखते थे, ये वही लोग हैं। आज ये वही लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, इसे अब विरोध का नाम दिया जा रहा है। जो लगातार आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लगातार ट्रेनों को फूंक दे रहे हैं, लगातार पूरी सार्वजनिक संपत्ति को आग लगा दे रहे हैं, ये हक और अधिकार इन्हें किसने दिया है? ये क्या सेना में भर्ती होने वाले लोग हैं? आप खुद ही अंदाजा लगाइए। आपको नहीं लगता कि कुछ उल्टा हो रहा है? पहले किसान आंदोलन आया, फिर जवान आंदोलन आया। जी हाँ, पहले कृषि कानून आता है, फिर उसमें आंदोलन होते हैं, लगातार उसका विरोध होता है, फिर उसके बाद सेना का आंदोलन आ जाता है। जी हाँ, पीएम मोदी जी की हर नीतियां, हर कानून, आखिर ऐसे क्या कानून लाते हैं वो जिसका विरोध सड़कों पर उतर कर लोग भारी संख्या में करने लगते हैं और बवाल कटने लगता है, लगातार पूरा देश जलने लगता है। ऐसे ही तीन तलाक आया, CAA, NRC आया, नोटबंदी आया, कृषि कानून आया, लगातार इन कानूनों का विरोध हुआ, और अब आखिर में अग्निपथ जैसा कानून आ गया। जी हाँ, अग्निपथ अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। अग्निपथ उस योजना का नाम है जो सेना में भर्ती होने वाले लोग हैं, उस योजना को अग्निपथ स्कीम कहा गया है, और जो इसमें सेना में भर्ती होंगे उन लोगों को अग्निवीर कहा गया है। जी हाँ, अग्निवीर कहा गया है, और इन अग्निवीरों को 4 साल की मोहलत दी गई है। जो इनके जज्बा है काम करने का, उसको 4 साल में ही आंका जाएगा। जी हाँ, जो सेना के नौजवान जो इतने लंबे समय तक तैयारियां करते हैं, जो लंबे समय तक इस तरीके से अपने आप को योग्य बनाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, उनका सपना होता है, उन सेना के नौजवानों को अग्निवीर नाम दिया गया है। लेकिन ये अग्निवीर इस स्कीम से खफा क्यों है? आप खुद ही सोचिए कि ये खफा क्यों है। पहले तो अग्निवीर अग्निपथ जैसा एक स्कीम ला दिया जाता है, फिर उसके तहत 4 साल की मोहलत दी जाती है, फिर जो अग्निवीर हैं उस नाम के अकॉर्डिंग रोडों पर उतर आते हैं और आगजनी करने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये आगजनी कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, लगातार सार्वजनिक संपत्ति को जला रहे हैं, क्या इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी? जिस तरीके से मुस्लिमों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, क्या इनके ऊपर भी उस तरीके से न्यायालय बुलडोजर चलाएंगे? क्या इस ही तरीके से इनके ऊपर न्यायालय का डंडा चलेगा या पुलिस वालों के डंडे लाठियां चलेंगी? ये मेरा सवाल है। लेकिन आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस विरोध प्रदर्शन को जो पदाधिकारी हैं, बैठे हुए नेता लोग हैं, ट्विटर पर लिखते हैं जन आक्रोश। जी हाँ, जो आगजनी कर देते हैं, रेलों को जला देते हैं, इसे आक्रोश बता रहे हैं। वहीं अगर मुस्लिम प्रोटेस्ट के लिए रोडों पर उतरते हैं तो उन्हें उनके विरोध प्रदर्शन को दंगाई बता दिया जाता है, पत्थरबाज बता दिया जाता है, लगातार उन्हें टारगेट करते हुए इस तरीके के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं।
कि वो आतंकवादी तक घोषित कर दिए जाते हैं, बिना उन पे जुल्म साबित हुए उनके पोस्टर छाप दिए जाते हैं। जी हाँ, लेकिन ये जो आगजनी कर रहे हैं, भगवाधारी गमछे में खड़े हुए सारे लोग हैं, ये आखिर कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बीजेपी के समर्थन में हमेशा से उतरते आए हैं, लेकिन आज ऐसा क्या हो गया जो बीजेपी के समर्थन को आग लगाते हुए ये अग्निवीर सारी संपत्ति को आग में झोंक देते हैं, पूरे देश में बवाल काट देते हैं। जबकि मोदी जी द्वारा ये क्रांतिकारी योजना आई है और क्रांतिकारी योजना के तहत इन शूरवीरों को, अग्निवीरों को, माफ करिएगा, अग्निवीरों को, इन अग्निवीरों को इसके तहत उनकी इस योजना का सम्मान करना चाहिए था, बहुत ही सम्मानीय तरीके से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए था, क्योंकि समाज के हित में उन्होंने अग्निपथ ला कर दिया है। जी हाँ, लेकिन नौजवानों को ये रास नहीं आया, लगातार वो इसका विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसको विरोध प्रदर्शन कहा जाएगा, लेकिन ये आगजनी जो हो रही है, क्या ये इस तरीके से दंगाई नहीं है? क्या इस तरीके से ये आतंकवादी घोषित नहीं किए जाने चाहिए? ये मेरा एक सवाल है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। इसी तरीके से आप अंदाजा लगाइए, क्रिकेटर जो है, देश के क्रिकेटर भी 30 साल तक खेलते हैं, लेकिन उन पर कोई सवाल नहीं उठाता, उनकी उम्र को लेकर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन अग्निपथ जैसी जब योजना आती है, ऐसी स्कीम आती है, तो शूरवीर यानी कि अग्निवीर खफा हो जाते हैं और रोड़ों पर उतर आते हैं। लेकिन ये सवाल उठता है कि वो आखिर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या कुछ इसमें गलत है? प्रधानमंत्री द्वारा ये की गई योजना सबके सामने लागू की गई है, आखिर इसमें गलत क्या है? आखिर वो रोड़ों पर क्यों उतर रहे हैं? क्या वाकई में इन अग्निवीरों को समझ आ गया है कि क्या हो रहा है? इसी तरीके से जब कृषि कानून आया था, तो कृषि कानून को समझाने के लिए सरकार लगातार ये कह रही थी कि कृषि जो है, किसान जो है, इस कानून को समझ नहीं पाए हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है जब अग्निपथ जैसी योजना आती है तो उसको 2 दिन के अंदर ही अग्निवीर समझ जाते हैं? क्या कुछ खपला है? क्या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है? पिछले 2 सालों में लगातार सेना में भर्ती नहीं हुई है, और जब भर्ती की योजना आती है तो अग्निपथ के नाम से आती है। सोचिए, इतनी भीषण गर्मी है और भीषण गर्मी में भारी भरकम नाम के साथ ये योजना आती है, अग्निपथ योजना, और उसमें सेना में भर्ती होने वाले लोगों का नाम दिया जाता है अग्निवीर। जी हाँ, ये आखिर नाम आते कहां से हैं? सोचने वाली बात है। वहीं अगर मनुवादी मीडिया की बात करें तो भांड मीडिया लगातार, आज जो देश में इतना हंगामा हो रहा है, लगातार बवाल कट रहा है, रोड़ों पर लोग उतर आए हैं, लगातार सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो भांड मीडिया लगातार शुक्रवार की जुम्मे की नमाज पर ही अटका हुआ है। जी हाँ, लगातार उनका सवाल यही दोहरा रहा है और उनकी लगातार डिबेटें यही चल रही हैं कि आखिर जुम्मे की नमाज पर होने वाला क्या है। लगातार इसी तरीके से मुद्दों को भटकाने का काम करने वाली ये मनुवादी मीडिया इसी तरीके से खेलती आई है, और इसी तरीके से स्पीच पर वो अपना लगातार चौका छक्का लगाती आई है। और हमारे देश में जिस तरीके से ये शूरवीर, अग्निवीर लगातार आगजनी कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई कब होगी? क्या योगी बाबा का बुलडोजर भी इनके घरों पर चलेगा? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इन जैसे लोगों को दंगाई साबित किया जाएगा? क्या इन जैसे लोगों पर UAPA जैसे धाराएं लगाई जाएंगी? क्या इन लोगों को आतंकवादी घोषित किया जाएगा? लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि लगातार इस योजना का विरोध क्यों हो रहा है, जब इन्हें लगातार ये रोटी नहीं चाहिए, इन्हें सड़क नहीं चाहिए, इन्हें रोजगार नहीं चाहिए, इन्हें तेल, महंगाई, कुछ पे भी, किसी पर भी इन्हें बात नहीं करनी है, इन्हें मंदिर चाहिए था, लेकिन सरकार ने जो है इन्हें अग्निपथ ला कर दे दिया। शायद इसीलिए खफा हो गए अग्निवीर, इसीलिए लगातार वो आगजनी करने पर उतारू हो गए, और इसीलिए वो रोड़ों पर उतर आए हैं और लगातार इस तरीके का कृत्य करते आ रहे हैं, जो आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से तोड़फोड़ कर आगजनी की जा रही है। पूरा देश आज जल रहा है। एक सवाल यह भी उठता है कि सेना में भर्ती होने वाले अब भूतपूर्व नहीं कहलाएंगे, 4 साल बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी। लगातार जो है ये भी कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट हाउस में जो है वो काम कर सकेंगे, उनको वहां पर नौकरियां मिल जाएंगी। जी हाँ,
कॉर्पोरेट हाउस में अच्छी खासी उन्हें नौकरियां मिल जाएंगी, आखिर इतने खफा क्यों हैं? इतने रोड़ों पर आकर उन्हें हंगामा करने की जरूरत क्या है जब सरकार इतनी बड़ी स्कीम के तहत उनको सारी योजनाएं दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही है, तो फिर इतने खफा होने की बात क्या है? अब इसी के चलते लगातार जो दो चार ट्वीट है मैं आपको बताऊंगी। विनोद सोनी लिखते हैं, जो अग्निपथ योजना के नाम पर सड़कों पर हुड़दंग और तोड़फोड़ कर रहे हैं वो असल में बेरोजगार अभ्यर्थी नहीं बल्कि विपक्षी दलों के भावी नेता हैं। बेरोजगार के लिए कोई भी भर्ती गोल्डन चांस की तरह है। संविदा ठेकेदारी, मनरेगा, दिहाड़ी, सब जगह लोग दिन के हिसाब से काम कर रही है। ये अग्निपथ योजना के लिए लगातार लोग जो है ट्विटर पे जो आ रहे हैं। वहीं दिलीप मंडल जी लिखते हैं, मोदी जी अगर मथुरा या यूनिफॉर्म, सिविल कोड या ऐसा ही कोई फड़कता हुआ मामला उछाल दिया जाए तो अग्निपथ हंगामा थम सकता है। जी हाँ, लगातार जो मुद्दों को भटकाने का काम हमारी मीडिया करती आई है वो आज भी वही काम कर रही है। सूरज यादव लिखते हैं, एमएलए एमपी को 2 साल के लिए नियुक्त किया जाए, उसके बाद रिटायरमेंट दी जाए, पेंशन भी बंद की जाए, इन मंत्रियों को सदन वीर कहा जाए। सोचिए लगातार अब जो है अग्निवीर की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग, उस स्कीम की धज्जियां उड़ा रहे हैं लगातार सभी लोग जो है एक के बाद एक ट्वीट भी कर रहे हैं। लगातार अग्निवीर हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। मैं अभी एक ट्वीट पढ़कर बताती हूँ। योगी आदित्यनाथ जी लिखते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अग्निपथ योजना 2022 के लिए अधिकतम प्रवेश आयु को 21 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने का निर्णय अभिनंदनीय है। असंख्य युवाओं में आशा व उत्साह का संचार करती इस सौगात हेतु आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। सोचिए योगी जी लिखते हैं, असंख्य युवाओं में आशा व उत्साह का संचार हो रहा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। लगातार जो युवा हैं, अग्निवीर हैं, वो लगातार सड़कों पर आगजनी कर रहे हैं अपने नाम के अनुसार, लगातार सारी संपत्ति को झोंक दे रहे हैं, आग के हवाले कर दे रहे हैं, लगातार शीशे तोड़ दे रहे हैं, बीजेपी दफ्तरों को तोड़ दे रहे हैं, सब कुछ तोड़फोड़ मचा रखी है। लगातार पूरा देश जल रहा है और योगी आदित्यनाथ जी का ये ठंडा सा ट्वीट आपको राहत देगा, तो आप भी राहत की सांस लीजिए। एक ज्ञानी जी लिखते हैं, अग्निवीर जैसा सिस्टम यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अपने देश में कर रखा है, फिर इंडिया में उपद्रव क्यों? सोचिए ऐसे भी ज्ञानी लोग हैं जो इस तरीके का ज्ञान देने बैठ जाते हैं ट्विटर पर और लगातार इसी तरीके का ज्ञान देते रहते हैं। अब ये ज्ञान आप सोचिए, बता रहे हैं कि यूएसए में भी इसी तरीके से होता है, लेकिन इंडिया में इसका विरोध क्यों हो रहा है? ये तो इन्हें जाकर उन अग्निवीरों से ही पूछना चाहिए कि ये विरोध क्यों कर रहे हैं, तो शायद अच्छा खासा जवाब मिल जाएगा। योगी आदित्यनाथ का एक और ट्वीट मैं आपको आपके सामने दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। योगी आदित्यनाथ लिखते हैं, 2011 जून का 2022 का ये ट्वीट है, ये लिखते हैं, उपद्रवियों पर कार्रवाई ऐसी हो जो असामाजिक सोच रखने वाले सभी तत्वों के लिए एक उदाहरण बने और माहौल बिगाड़ने के बारे में कोई सोच भी ना सके। अब ये ट्वीट तो इन्होंने कर दिया, लेकिन अब ये ट्वीट के अनुसार उल्टा ही हो रहा है। पहले मुस्लिमों के लिए इन्होंने ऐसा लिखा था, उपद्रवीय बताया था उन्हें, लेकिन अब जो अग्निवीर हैं लगातार अग्नि में सबको झोंक दे रहे हैं, सड़कों पर उतर आए हैं और लगातार पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, भयंकर बवाल कट रहा है, तो अब जो है योगी आदित्यनाथ उनके लिए क्या इलाज ढूंढेंगे? क्या इन उपद्रवियों पर भी इसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी? क्या इनके घरों पर भी बुलडोजर चलेगा? क्या न्यायालय में न्याय ना होकर के बुलडोजर ही न्याय हो गया है, तो बुलडोजर बाबा इस पर भी बुलडोजर चलाएंगे क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इस तरीके के उपद्रवियों पर लगातार जो है बात की जाएगी या उन पर किसी तरीके की कार्रवाई होगी। आखिरी में जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूंगी, प्रदर्शन कर रहे छात्र युवाओं से आग्रह है कि पूर्वजों के वर्षों के टैक्स और मेहनत से तैयार की गई देश की संपत्तियां जो आपके ही काम आती रही हैं, उसे नुकसान मत पहुंचाइए। नोटबंदी के बाद हर जिले में बीजेपी के करोड़ों के आलीशान कार्यालय बने हैं, वहां बैठकर शांति से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए ना, वहां पर आप बैठ के प्रदर्शन कर सकते हैं।
क्यों इस तरीके की आगजनी कर रहे हैं, ये मेरा सवाल है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया।